दोस्तों, चौथे, पांचवे और छठे श्लोक के बारे में हम साथ में बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। अत्र शूर महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दिष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुंती भोजश्च शैभ्यश्च नरपुणवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सभद्रो द्रौपद्याश्च सर्व एव महारथा। दोस्तों, इन तीनों श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि देखिए पांडवों की सेना में कौन कौन महान योद्धा है। वह अपने सामने सेना को जांचते और परखते हुए कहते हैं, उनकी सेना में बड़े बड़े वीर धनुर्धर हैं तथा युद्ध में भीम और अर्जुन, महारथी युधान विराट तथा महारथी राजा द्रुपद है। इनके साथ ही धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजित कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी भी है। पराक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र यह सभी महारथी हैं। ऐसे महारथी जो हजार योद्धा के साथ लड़ सकते हैं। दोस्तों, जीवन में जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, हमें शांत मन से उसके हर पहलू को जांचना और परख लेना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। यही नहीं, दुर्योधन नहीं चाहते कि द्रोणाचार्य सामने सेना को देखकर भयभीत हो जाएं, इसलिए वह अगले श्लोक में अपनी सेना के बारे में भी बात करते हैं। और उसके लिए हमारी अगली वीडियो को देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज के इस श्लोक में इतना ही। हमारे साथ भगवद गीता की इस स्पेशल सीरीज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सभी पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा।